इसी में आ गया ना। खैर अब कितने हजार का ये ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। ये केवल नारा नहीं, मंत्र है, और इसको जमीन पर उतारने का रोड मैप भी तैयार है। आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं की गई है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल को वोकल बनाना है, इससे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे। अब 200 करोड़ तक के टेंडर अगर ग्लोबल नहीं होंगे तो हमारी देसी कंपनियों को, विशेषकर हमारी छोटी कंपनियों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को एक नई ताकत मिलेगी। ई मार्केट से एमएसई जुड़ेगी तो स्वदेशी एवं अन्य प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल उपकरण, फार्मा उपकरण के निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि आई है, इसका लाभ हम उठा सकेंगे। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश देश का दिल है, बीचों बीच स्थित है, और इसलिए मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश ने श्रम सुधार भी किए हैं, उन श्रम सुधारों के कारण भी नए छोटे बड़े उद्योग आएंगे, और उस पैकेज के कारण और गति और बल मिलेगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता का पैकेज है, ये एमएसएमई को नए सिरे से खड़ा करने का पैकेज है, ये रोजगार बढ़ाने का एक विराट अभियान है। ये कोरोना की हालत में जो नुकसान हुआ है हमारे एमएसएमई को, उससे उबारेगा और पूरी ताकत के साथ हमारे मजदूर, हमारे नौजवान नए सिरे से परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज जो एमएसएमई की स्थिति को बदल देगा और सचमुच में स्वावलंबन की तरफ हमारे देश को ले जाएगा। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन।